फ्रेंड्स जोहार, मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग अगर मेरे पहले से वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को ज़रूर से पता हो गया है कि मैं कहाँ हूँ। तो ये है हमारा नानी घर और ये है मामू, और अभी हम लोग जा रहे हैं देमता फंसाने के लिए। तो देमता क्या होता है आप लोगों को मैं बतलाऊँगी, वो इतना बड़ा चीज़ होता है या फिर काफ़ी छोटा चीज़ होता है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बतलाऊँगी। तो अभी हम लोग देमता फंसाने के लिए जा रहे हैं। तो ये वाला जो है ये क्या है मामू? बांस का डांग, इसको हम लोग बांस का डांग बोलते हैं। और ये वाला जो है इधर आप लोग नजदीक से आकर के देखेंगे, इस तरह से बना हुआ है फंसाने वाला डोलो। हाँ, ये तो इसको डोलो बोलते हैं। तभी हम लोग जा रहे हैं देमता फंसाने के लिए। और देमता को हमारे यहाँ हमारे मुंडारी लैंग्वेज में हमारे झारखंड में हाऊ भी बोलते हैं। तो चलिए आप लोग भी, और मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी कि कैसा देमता फंसाया जाता है ना मामू। चलिए ऐसे तो देमता जो है वो जंगल में मिलता है, लेकिन यहाँ मामू लोग के यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ और कटहल के पेड़, तो ये सब में भी देमता मिलता है। तो घर के पास में ही हम लोगों को मिल जा रहा है। तो अभी सामने एक पेड़ है आम का, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। वहाँ पर आप लोगों को दो वो देमता का पोटम बोलते हैं हम लोग, तो वो जो हरा वाला है उसी को भी मामू चेक करने वाले हैं कि उसमें अंडा है कि नहीं। तो चेक कीजिए मामू। देखिए बीच में इस तरह से छेदा किया जाता है और उसके बाद फिर उसको निकाला जाता है, तो उसमें अंडा है। आप लोगों को शायद इससे नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरे से, लेकिन उसमें अंडा है। तो मामू उसी को भी निकालने वाले हैं। देमता एक ऑरेंज कलर की चींटी होती हैं, जो कि झारखंड के प्रायः हर एक जंगलों में मिल जाएंगे। और देमता जो होते हैं बहुत सारे पत्तों को मिला करके घोंसला बनाते हैं और उसी में अंडे देते हैं। और ये जो अंडे होते हैं ये हम आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है खाने में, और इसे जब हम कलेक्ट करने के लिए जाते हैं जंगलों में तो किसी एडवेंचर से ये कम नहीं लगता है। ये जो चींटियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा काटती हैं, और लोग इन चींटियों का चटनी बना करके भी खाना पसंद करते हैं। और हमारे झारखंड के कई हिस्सों के बाज़ारों में आप इन्हें बिकते हुए देख सकते हैं, लेकिन हमारे सिमडेगा एरिया में चींटियाँ जो है वो नहीं बिकती हैं। इनके जो अंडे हैं वो बिकते हैं और लोग इसे काफ़ी चाव से खाना पसंद करते हैं। और ऐसे नमक डाल देने से क्या होता है ना कि देमता जो है वो जल्दी मर जाते हैं और काटते नहीं हैं। जब तेज़ धूप होती है तब देमता को पकड़ा जाता है, और तेज़ धूप की वजह से देमता जो है काफ़ी जल्दी मर जाते हैं। देमता को बाहर निकालने के लिए देखिए इस तरह से पत्ते को डाला जाता है, तो देमता जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए मामी जो है वो देमता को अलग कर रही है, और एक साइड अंडा हो जाएगा अभी और एक साइड में देमता, इस तरह से अलग किया जाता है। तो देखिए एक पोटम से इतना निकला, यानी कि चिट्टियों का जो घोंसला था उसको एक हमने निकाला, तो देखिए एक घोंसला से इतना अंडे निकले हैं और उतने सारे चींटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से देमता झाड़ने के लिए दूसरे साइड, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में दो तीन घोंसला है, तो ये वाला जो घोंसला है ये पिछले साल का है, और इसे जो देमता है वो निकल के दूसरा घोंसला बनाने के लिए और दूसरे साइड चली गई होंगी। तो ऐसा होता है जो सूख जाता है उसमें जो है चिटियाँ नहीं होती हैं। तो मामू देमता को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो उसका जो घोंसला होता है कौन सा तैयार हुआ है और कौन सा नहीं तैयार हुआ है? उसको उसका पत्ता जो पोटंग होता है उसका पत्ता जो तैयार होता है वो मतलब पीला पत्ता हो जाता है, पीला हो जाता है और हरा रहता है। अब जो एकदम पूरा सूख जाता है उसमें तो नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं, निकल करके लोग दूसरा घोंसला बना लेते हैं ना। तो ये देखिए कितना सारा यहाँ पर चींटी गिरा हुआ है, हम लोग यहीं पर झाड़े थे ना, इसलिए बहुत सारा चींटी गिरा हुआ है, तो हम लोगों को भी काट रहा है। देमता में छोटे छोटे डंटी वगैरह रह जाते हैं, तो उसको अभी हम लोग अलग कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको साफ कर रहे हैं।
देखिए। और इसके बाद हम लोग इसको पकाएंगे। देखिए हमने इतने सारे दिमता के अंडे जमा कर लिए हैं और इसमें हाई प्रोटीन होती है। और हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दिमता और उसके अंडे खाने से जो है सर्दी खांसी और बुखार वगैरह ठीक हो जाते हैं। अभी मामी दिमता को धो रही है। इसको धोना पड़ता है क्योंकि इसमें धूल वगैरह भी होते हैं, बालू वगैरह रह जाते हैं, तो इसको धो करके पकाया जाता है। अब हम लोग देमता को पकाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मामी कढ़ाई में जो है तेल डाल दी है। अब इसमें हरी मिर्च डाल दी है मामी, कटी हुई प्याज डाल रही है। इसको पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 10 मिनट का समय लगता है। और जब हम खुद से पकड़ के लाते हैं देमता, उसको पकाते हैं, तो उसको खाने में जो है जो मज़ा है, जो आनंद है, वो जस्ट डबल हो जाता है। प्याज को हम लोग लगभग 3 मिनट भून लिए हैं। अब इसमें हम लोग स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। मसालों की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं देमता, ये देखिए, और इसको भी हम लोग भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। और अभी आप लोगों को पटपुट पटपुट की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो ये जो छोटे छोटे अंडे हैं ये फट रहे हैं और इधर उधर छिटक रहे हैं। इसको कुछ देर हम लोग ढक करके पकाएंगे। अभी हम लोग का देमता जो है पक करके रेडी हो गया और अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो देखिए ये देमता है और ये चावल, इधर अंडा आलू का सब्जी बना है और ये मसूर का दाल। तो मैं अभी ये देमता टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आज कैसा बना है मैं आप लोगों को बतलाती हूँ खाने के बाद। ये वाकई में काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका और काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दिमता क्या होता है। तो आज हम लोग दिमता पकड़े और इसकी सब्जी बनाए और खाए, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी स्वादिष्ट था। और आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।